हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृतर्स नर्सिंग एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है एबॉर्शन। देखिए इस टॉपिक में मैंने क्या क्या कंटेंट कवर किया है। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ एबॉर्शन। नंबर टू, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। नंबर थ्री, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग एबॉर्शन। नंबर फोर, ओवरव्यू ऑफ मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन इंक्लूडिंग इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग्स नेम दैट आर यूज्ड, प्रोटोकॉल एंड प्रोसेस। एंड नंबर फाइव, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। एबॉर्शन इज डिफाइंड एज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस बिकम्स वायबल। वायबल मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली, दैट इज बिफोर 28 वीक्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन शुड बी लेस देन 1000 ग्राम। एबॉर्शन मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि 28 वीक्स से पहले होगा और फिटस का वेट बिलो 1 केजी होगा। अभी नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। Abortions are mainly two types, that is number one spontaneous and number two induced. Spontaneous abortions occurs spontaneously due to some medical or unknown reasons. Spontaneous abortion का कारण कभी medical related हो सकता है या unknown reason भी हो सकता है, इसीलिए इसे nature's method of birth control भी कहा जाता है। Next, induced abortion. इंड्यूस्ड मतलब अगर कुछ भी इंड्यूस करके, जैसे मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा यूज़ करके प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेंगे तो इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाएगा। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का टाइप्स देखिए। यह है नंबर वन, थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन और हैबिचुअल एबॉर्शन। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा एबॉर्शन क्या है, आप कैसे समझेंगे? मैं बहुत ही ईजी करके समझाऊँगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थ्रेटन्ड एबॉर्शन मतलब यहाँ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलते हैं और ये पॉसिबल मिसकैरेज इंडिकेट करते हैं, जो कि मिसकैरेज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू ओनली थ्रेटन्ड एबॉर्शन में हो सकता है। नेक्स्ट, नंबर टू, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। यहाँ प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, बट जो प्रोडक्ट है कम्प्लीटली बाहर निकाल के नहीं आया, इसे कहेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन। नेक्स्ट, मिस्ड एबॉर्शन। यहाँ फिटस की डेथ हो चुकी है बट फिटस जो है यूटेरस के अंदर ही रह गया, इसे कहेंगे मिस्ड एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन, यहाँ क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ सर्विक्स भी डायलेट हो जाता है। इनएविटेबल एबॉर्शन में फिटस एक्सपेल आउट होने का ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट, सेप्टिक एबॉर्शन। इन्फेक्शन के कारण से जो एबॉर्शन होता है उसे सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। लास्ट, हैबिचुअल एबॉर्शन। अगर किसी महिला का 3 या उससे ज़्यादा बार ऑटोमेटिक मिसकैरेज होता है तो उसे हैबिचुअल एबॉर्शन कहा जाता है। अभी नेक्स्ट, इंड्यूस एबॉर्शन का टाइप्स देखिए। नंबर वन, MTP जो कि है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा है इलीगल और अनसेफ एबॉर्शन। अभी देखिए मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दो तरह से किया जाता है, नंबर वन मेडिकल एबॉर्शन और दूसरा सर्जिकल एबॉर्शन। सबसे पहले जब भी आप मेडिकल एबॉर्शन या तो सर्जिकल एबॉर्शन करवाने जाएंगे, उससे पहले पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीजिए, फिर अच्छे से हिस्ट्री लीजिए, काउंसिलिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस चेक कर ले कि इस पेशेंट को जो मेडिकल एबॉर्शन या सर्जिकल एबॉर्शन किया जा सकेगा कि नहीं। मेडिकल एबॉर्शन जो है ये ड्रग्स यूज़ करके किया जाता है, जो कि ओरली, वेजाइनली, सबलिंगुअली या बकल रूट में दिया जाता है। इस प्रोसेस को मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन MMA कहा जाता है। यहाँ दो टाइप्स का टैबलेट यूज़ करके एबॉर्शन किया जाता है, जो कि है नंबर वन मिफेप्रिस्टन और नंबर टू मिसोप्रोस्टल। इंडिकेशंस ऑफ MMA देखिए, यहाँ दोनों टैबलेट जो मैंने अभी नाम बताया है ये अप टू 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन यानी 49 डेज तक दिया जा सकेगा, जो कि 95% से 99% तक इफ़ेक्टिव है। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ MMA देखिए। नंबर वन, एनीमिया, जिनका हेमोग्लोबिन लेवल बिलो 8 ग्राम परसेंट है। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनडायग्नोस्ड एडनिक्सेल मास, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर अबोव 160/90 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट, नॉन केस ऑफ हार्ट डिजीज जैसे एंजाइना, वाल्वुलर डिजीज, एरिथमिया एट्सेट्रा।
नेक्स्ट किडनी डिजीज, लिवर डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट एस्थमा। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड सीजर, और जो महिलाएं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज़ करती हैं उनके लिए भी ये ड्रग्स दिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन प्रोटोकॉल एंड प्रोसेस। भारत सरकार ने ये ड्रग्स यूज़ करने का कुछ प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जैसे नंबर 1 MMA, इस प्रोसेस में एबॉर्शन किया जाएगा तो मिनिमम पेशेंट को 3 विजिट के लिए आना है, जो कि है day 1, day 3 एंड day 15। अब ये ड्रग्स कैसे देना है इसका डोसेज देखिए। day 1 में फर्स्ट विजिट में मिफेप्रोस्टन दिया जाएगा 200 मिलीग्राम। day 3 जो सेकेंड विजिट होगा यहाँ दिया जाएगा मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम। 200 माइक्रोग्राम का 2 टैबलेट दिया जाएगा। अगर day 1 में पहले विजिट में मिफेप्रोस्टन देने के बाद वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन रहेगा पेशेंट का, तो पेशेंट को नेक्स्ट विजिट में सेकेंड विजिट में एनाल्जेसिक्स जैसे इबुप्रोफेन और वॉमिटिंग प्रिवेंट करने के लिए ओंडेंसेट्रोन टैबलेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड विजिट होगा day 15 को। यहाँ एबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये कंफर्म किया जाएगा। अगर कंप्लीट हुआ है तो उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए बोलना होगा। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए उन्हें हमें सजेस्ट करना है। जो भी महिलाएं MMA प्रोसीजर करवाएंगी उन्हें हमें कुछ एडवाइसेस देना है, जैसे कुछ दिन तक एंटीबायोटिक का एक कोर्स खाने के लिए दीजिए, मिफेप्रिस्टन लेने के 2 दिन बाद फिर आने के लिए बोलिए मिसोप्रोस्टोल ड्रग लेने के लिए, और इन दिनों इंटरकोर्स अवॉइड करने के लिए सजेस्ट कीजिए। और पेशेंट को बोल देना है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर जाता है या तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है तो इमीडिएटली हेल्थ फैसिलिटी में रिपोर्ट करें, और उन्हें 6 मंथ के लिए 180 टैबलेट ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड देना कंपलसरी है टू प्रिवेंट एनीमिया। 1 टैबलेट डेली रात को खाने के लिए देना है। ये कंप्लीट प्रोसेस था मेडिकल एबॉर्शन का। अब नेक्स्ट सर्जिकल एबॉर्शन प्रोसेस देखिए। ये जो सर्जिकल एबॉर्शन है यहाँ पे ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर यूज़ करके, जैसे वैक्यूम एस्पिरेशन और डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ये सब मेथड यूज़ करके एबॉर्शन किया जाता है। नेक्स्ट इंड्यूस्ड एबॉर्शन का और एक टाइप है जो है अनसेफ एबॉर्शन, जिसे इलीगल एबॉर्शन भी कहा जाता है। ये इलीगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइप का एबॉर्शन जो परफॉर्म करते हैं वे ट्रेंड और रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इससे पेशेंट का लाइफ रिस्क बहुत बढ़ जाता है। रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि अनसेफ एबॉर्शंस के कारण इंडिया में 8% महिलाएं की मृत्यु होती है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कोई भी महिलाएं जो हैं अनसेफ या इलीगली से अपना एबॉर्शन ना करें। कोई भी अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप हेल्थ फैसिलिटी में जाइए और गवर्नमेंट का दिया हुआ सुविधाएँ की लाभ उठाइए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी कहाँ टर्मिनेट किया जाएगा? PHC में। 12 वीक्स का जेस्टेशन होगा तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, और 20 वीक्स का जेस्टेशन होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एबोव फैसिलिटी में टर्मिनेट किया जाएगा। ये था आज का वीडियो एबॉर्शन के बारे में। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।